हम सब जानते हैं आप सब है बेकरार, हम सब जानते हैं आप सब है बेकरार, पर कुछ ही पलों का था ये सवाल, पर अब शुरू होगा शो ये धमाकेदार। सो आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस टाइनी टॉट्स नर्सरी स्कूल एनुअल फंक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। So, we take an immense pleasure to welcome you all in the 25th annual day celebration, Udaan. Udaan, as the name suggests, हम अपने छोटे बच्चों को आसमान छूने की उड़ान देना चाहते हैं। जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। So, without wasting our much time, so let's start this function with the blessing of God. Like every other auspicious occasion, let's just start this event by offering our prayer to everyone's favorite, Ganpati Bappa. So now I would like to welcome our Tiny Tots kids. We'll start this beautiful evening by taking Bappa's blessing. Love and affection and make children feel at home.
different festivals are being celebrated, so children become aware of these festivals. For mental and physical development of the child, various sports activities and different competitions are held in school. Our kids have done lots and lots of practices for making this event grand. I would like to request all the parents to encourage the kids with claps while the children are performing on stage. I hope so you all enjoy this lovely evening. Thank you. Thank you, ma'am, for giving a brief to our parents about our school activities, celebrations, and events happen in our school. हमने तो आप सबका स्वागत कर दिया है अपने स्टाइल में, पर अब हमारे नर्सरी केजी के बच्चे अपने स्टाइल में आप सबका वेलकम करना चाहते हैं. So let's give them a big round of applause to our nursery KG students. Turn around, turn around, listen to the music.
है कि हर काम सीखने के लिए और चीजें याद रखने के लिए रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन हम अपने बच्चों को चीजें ऐसे सिखाते हैं जिन्हें उन्हें सीखने में मजा आता है और याद भी रहता है. दिस इज कॉल्ड फन विद लर्निंग. वाओ, दैट्स अ वेरी इनोवेटिव आइडिया. दिस मेक्स अ लर्निंग मोर सिंपल एंड इजियर. सो नाउ वेलकम आ Nursery kids to perform. And please parents do boogie boogie with them. आप तालियां बजाएंगे तो ही बच्चों का उत्साह बढ़ेगा. उन्हें एनकरेज करिए. It is their first time on the stage. Thank you.
from this stairs, please. So parents ke saath bhi to kuch function banta hai. So why not try tongue twisters? Parents, please participate कीजिएगा please. Tongue twisters जैसे हम जानते हैं बहुत ही easy game है. इसमें खाली जुबान का कमाल होता है. इसमें कोई physical activity नहीं करनी है, ना ही हमको इसमें मेहनत करनी है. पर सिर्फ हमको एक word दिया जाएगा, एक challenge दिया जाएगा. वो आपको एक मिनट तक repeat करना है. आपको सिर्फ कहना होगा कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़. बहुत ही इजी टास्क है ये. सो देखते हैं कौन सा पेरेंट या कौन अभी ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं. लेट्स सी हु विल बी द फर्स्ट पार्टिसिपेंट फॉर दिस चैलेंज. ओ देर आर मेनी पार्टिसिपेंट्स. आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द पेरेंट्स. सो यस मैम, कैसे हैं आप? फंक्शन इतने छोटे छोटे बच्चों का इतना अच्छा प्यारा प्यारा डांस कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा और यहाँ के बहुत खुशी भी मिली और सारे बच्चे को इतना एक्साइटेड देख के बहुत अच्छा लगा. इतनी सी उम्र में इतना अच्छा डांस करते, इवन मैं अपने बचपन में इतना अच्छा नहीं कर पाई होंगी. आजकल के बच्चे है ही इतने एक्टिव है कि नहीं पेरेंट्स? ऑब्वियसली. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द चैलेंज पार्ट. आपको सिर्फ बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़ वन मिनट के लिए और जो ये चैलेंज पास करेगा उसको एक मिलेगा प्राइज. सो देखते हैं अभी मैम कर पाते हैं कि नहीं ये चैलेंज. लेट्स सी. कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़. वाह. सो इनको कोई कम्पीट करना चाहता है? इन्होंने 30 seconds के लिए बोला तो दैट साइड. ओके तो कौन है नेक्स्ट पार्टिसिपेंट? जुमड़े इज मदर, प्लीज स्टैंड अप. सो मैम इज वेरी एक्साइटेड. उन्होंने दूर से हाथ बता दिया था कि नहीं मैं करूंगी. सो यस मैम, आपको रूल्स तो पता ही है क्या करना है. ओके कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 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 कच्चा पापड़ I think Arnav Jumna's mother did better. Oh, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा टाइम के लिए मैंने नोट किया था 40 seconds के लिए या उससे ज़्यादा थोड़ा इन्होंने किया था. That was a better. So इन्हें प्राइज देना चाहेंगे हम. आप आगे आ जाइए near the dais. आप सब देख सकते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया. So उन्हें हम एक प्राइज देना चाहते हैं. Thank you, ma'am. Thank you. So, thank you so much. Okay. तो अभी next challenge tongue twister का ही रखते हैं. Parents बहुत ही इससे impressed हैं. तो हम next challenge रखते हैं इससे थोड़ा hard next level का. अभी इस बार please papa's हाथ खड़े करिएगा please. Mama's बहुत talented है सबको पता है. They are very hard working, housewives, working, बच्चों को संभालना. अभी पापा की बारी है, देखते हैं पापा क्या करेंगे. प्लीज पापा हाथ ऊपर करना. हर बार लेडीज फर्स्ट नहीं आएगा. अभी लेट्स सी कि पापा में कितना टैलेंट है और कितने स्मार्ट है. तो हू वुड बी द नेक्स्ट पापा और डैड? ओके हियर वी हैव अवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट. आपको बोलना होगा
पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो अभी ये आप सब लोग ने सुन लिया है, 1 मिनट। पर इतना स्लो नहीं बोलना है जितना सिमरन ने बोला है, इट शुड बी लिटिल फास्ट। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, ये स्पीड होनी चाहिए, स्लो नहीं बोलना है। मैंने इसीलिए स्लो बोला कि इनको थोड़ा ऑडिबल रहे, समझ सके। चलो तो लेट्स सी 1 मिनट तक कौन ये चैलेंज कंप्लीट करते हैं। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पप्पा पप्पा नहीं, पका पपीता। वो अपने आप बता रहे कि मैं पप्पा हूँ, पप्पा हूँ। तो लेट्स देखते हैं, अभी ये हार चुके हैं, नेक्स्ट कौन ट्राई। अभी इस साइड से होना चाहिए कोई, प्लीज। एक हमारे पास है कंटेस्टेंट न्यू, उनके पास हम जाते हैं, देखते हैं वो ये कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं चैलेंज। सर आपने सुन ही लिया कि क्या बोलना है, 1 मिनट तक आपको उनको कंप्लीट करना है। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। इसमें पपीता हो गया था, पपीता को पक्का बना था। तो अभी नेक्स्ट कौन से फादर ट्राई करना चाहेंगे, नेक्स्ट कौन वो सुपर डैड है। अगर आप अपने आप नहीं रेडी होंगे, मैं नाम लेना चालू करूंगी पेरेंट्स का, मुझे सबका नाम पता है, सो प्लीज। तो नेक्स्ट हमारे पास कंटेस्टेंट, पिंकू पकड़े पका पपीता। पेड़ पे पका पपीता, पिंकू पकड़े पकड़े पका पपीता। पेड़ पे पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। वेरी गुड सर, आपने तो सबसे ज़्यादा अच्छा किया। नहीं, मुझे लगता है इन्होंने सबसे ज़्यादा सभी रॉन्ग बोला है। पका पपीता पपड़ पहले कुछ बबलिंग थोड़ा रॉन्ग हो रहा था। तो इनको कौन कम्पीट करना चाहता है, लास्ट चांस। प्रियाज फादर, ओके प्रियाज फादर सर प्लीज स्टैंड। हाँ प्लीज स्टैंड अप, आप थोड़ा ये साइड में आ जाइए। अभी देखते हैं ये उनको कंप्लीट कर पाता है कि नहीं। सो सॉरी, पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर बहुत ज्यादा स्पीड हो गई सर। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर फास्ट फास्ट। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। वेरी थैंक यू, थैंक यू सर। आप सबने देख ही लिया, सर ने अच्छा परफॉर्म किया है। सर आप प्लीज स्टेज के आ जाए, आपको गिफ्ट दिया जाएगा फॉर विनिंग दिस चैलेंज। सर प्लीज कम नियर द स्टेज। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंसेस। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, ये वो ही कृष्णा है जो हर राधा के दिल में विराजमान है। सो प्लीज वेलकम आवर राधास टू शो द फ्यूजन ऑफ ओल्ड राधा एंड न्यू राधास। दीज आर सीनियर केजी गर्ल्स। श्री कृष्ण अखिल का जो राधा जी के रूप में देखा जाता है।
प्रेजेंट किया है ओल्ड वाला और न्यू वाला आई रियली लव दैट सो नाउ प्लीज अगेन वेलकम आवर नर्सरी किड्स टू परफॉर्म ऑन अ म्यूजिकल राइम क्लैप योर हैंड्स प्लीज डोंट मेक द वीडियोस वीडियो बन रहा है आपको सीडी मिल जाएगा बिकॉज पेरेंट्स आगे आते हैं पीछे वाले पेरेंट्स को दिख नहीं पाता सो प्लीज पेरेंट्स अपनी जगह पर बैठ के Thank you.
Bharati, but I'm just like you. My name is Shamshir, I'm from Ajmer. My name is Shamshir, I'm from Ajmer. I speak Urdu, but I'm just like you. My name is Arundhati, I'm from Guwahati. My name is Arundhati, I'm from Guwahati. I speak Assamese, but I'm just like you. My name is Benjamin, I'm from Panjim. My name is Benjamin, I'm from Panjim. I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Rani Mai, I'm from Chennai. पता है, raise your hands.
ऊपर किया है? पहले डिस्कस करें अपनी वाइफ के साथ कि मैं ठीक हूँ ना, फिर उसके बाद माइक में बोलूंगा। रेनबो, सॉरी सर, इट इज नॉट रेनबो। रेनबो कैसे फटेगा? रेनबो फटता है, वो डिसअपीयर हो जाता है, फटता नहीं है। अभी बड़ों की बारी है, बच्चों ने तो ट्राई किया है। गुब्बारा। वेरी गुड, इट इज अ बलून, गुब्बारा। सो प्लीज टेक योर प्राइस। सो आवर लास्ट रिडल इज, वो ऐसी क्या चीज है जो हाथी जितनी विशाल है, एलिफेंट जितनी विशाल है, पर उसका वेट जीरो है, उसका वेट शून्य है, ऐसी कौन सी चीज है? प्लीज पेरेंट्स। यस फाइनली अ लेडी। यस मैम, मूंगी। सॉरी, मूंगी का भी कुछ ना कुछ तो वेट होता ही होगा, ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में, नॉट मूंगी। स्काई, सॉरी नॉट स्काई, क्या है? एवन स्मोक। ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत विशाल है, एलिफेंट जितनी विशाल है, पर उसका वेट शून्य है, जीरो है? यस, एयर। नो सर, एयर की डेंसिटी होती है। हवा। नॉट द सेम आंसर, हवा नहीं। कौन और कौन? यस, जीरो विशाल कैसे है? नहीं नहीं, एलिफेंट की परछाई। यस, बच्चे बहुत स्मार्ट है। एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने बताया, बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट है आजकल के जनरेशन के। इतने सारे लोगों ने इसका ट्राई किया आंसर बोलने के लिए, किसी ने बोला हवा, किसी ने बोला रेनबो, किसी ने कुछ कुछ बोला, पर एक बच्चे ने ही राइट कर दिया। सो हियर्स योर प्राइज, थैंक यू। अभी बहुत रिडल्स हो गई, लेट्स स्टार्ट विद अनदर गेम, इट इज गेस द मूवी। अभी हमारे डीजे के गानों को, अभी पुराना गाना प्ले होगा, आपको गेस करना है कौन सी मूवी का है। पेरेंट्स रेडी? आवाज नहीं आई मुझे। पेरेंट्स रेडी? ओके, सो डीजे प्ले द फर्स्ट सॉन्ग। वैसे बता सकते हैं पेरेंट्स ये कौन सा गाना है? साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, साथ ही चल।
चुका है अभी. तो अभी हम इनको ट्राई देते हैं कि वो कौन सा सॉन्ग मूवी का है. सीता गीता. दैट्स अ राइट आंसर मैम. यस ओके. सो विल यू प्लीज प्ले द लास्ट सॉन्ग फॉर दिस गेम.
to kids for such a heartwarming performance. Parents, please take your kids.